हे गाइस, इट्स मी मास्टर गेमिंग बर्न। वेलकम बैक इन न्यू माइंड का वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले अपने क्रेजी एसएमपी में। और जैसे कि मैंने तुम लोग को लास्ट एपिसोड में बोला था कि हम लोग आयरन फार्म बनाएंगे, तो आज हम बनाने वाले आयरन फार्म और अपना फूड फार्म का भी कुछ जुगाड़ करते, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, चलते उड़ी की तरफ को। तो मैं तुम लोग को जाके फटाफट से जगह दिखा देता हूँ कि अपन कहाँ बनाने वाले अपना आयरन फार्म। सो गाइस, ये रही वो जगह जहाँ पे हम बनाने वाले अपना आयरन फार्म की। विलेज से दूर इसलिए बना रहा हूँ कि आयरन गोलम अपने विलेज के अंदर स्पॉन ना हो। तो फटाफट से मैं यहाँ के फूल और सीड क्लीन करके मिलता हूँ तुम लोग की सिर्फ 2 मिनट में। सो गाइस, सारी डट तो क्लीन हो चुकी है। अब मैं एक बार 5x5 का बॉक्स बना लेता हूँ जिसके अंदर अपने को बनाने का अपना आयरन फार्म। सो गाइस, मैं जल्दी जल्दी 5x5 का बॉक्स बना देता हूँ। सो गाइस, 5x5 का अपने को बॉक्स बनाने के बाद अंदर का पूरा क्लीन कर देना है डट। तो फटाफट से मैं ये भी क्लीन कर देता हूँ। अभी 7 ब्लॉक डीप जाना है, तो फटाफट से मैं 7 ब्लॉक डीप खोद के मिलता हूँ तुम लोग से 2 मिनट में। सो गाइस, मैंने 7 ब्लॉक डीप अंदर खोद चुका हूँ। अभी अपने को बस एक एक ब्लॉक और अंदर से खोदना है, तो जल्दी जल्दी मैं ये भी खोद देता हूँ। सो गाइस, ये एक एक ब्लॉक डीप खोदने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अभी अपने को इसके अंदर लगाना है 20 बेड्स। तो मैं फटाफट से जाता हूँ अपने विलेज के अंदर और लेके आता हूँ सारे 20 बेड्स। ओके गाइस, तो ये रहे सारे बेड। फटाफट से मैं इसको लेके जाता हूँ अपने आयरन फार्म के पास। 20 बेड्स हो चुके हैं। तो गाइस, अपने को इधर पे 20 बेड्स लगाना है, रैंडमली नहीं लगाना, जैसा मैं लगा रहा हूँ वैसे ही लगाना है। तो फटाफट से मैं बेड लगा के मिलता हूँ तुम लोग से 2 मिनट में। सो गाइस, ये रहा अपना लास्ट बेड। अपने को एक ब्लॉक ऊपर लेके और अपने को पूरा पैक करना है डर्ट से, और उसके बाद अपने को साइड साइड में लगाना है पूरे 20 जॉब ब्लॉक। तो फटाफट से मैं सारे ब्लॉक लेके आता हूँ। ओके गाइस, तो ऑगी भाई ने मेरे को सारे जॉब ब्लॉक दे चुके हैं। फटाफट से मैं जाके लगा देता हूँ आयरन फार्म के अंदर। अपने को ऐसा नीचे एक लाइन तोड़ के सारे 20 ब्लॉक्स लगाना है। तो फटाफट से मैं ये सब ब्लॉक भी लगा देता हूँ। ओके गाइस, तो सारे जॉब ब्लॉक लग चुके हैं। अब अपने को बस इसके अंदर लेके आना है विलेजर्स को। तो ऑगी भाई ने विलेजर लोग को लेके भी आ गए 2 विलेजर को। अपने को टोटल 20 विलेजर लेके आना है। तो फटाफट से हम लोग पूरे 20 विलेजर लेके आके मिलते हैं तुम लोग से 2 मिनट में। सो गाइस, यहाँ पे 2 विलेजर लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं अपने को, जो कि यहाँ पे बेबी विलेजर नहीं चाहिए रहेगा। तो फटाफट से मैं जाके उसको मार देता हूँ। अगर इधर पे बेबी विलेजर रहा तो अपना आयरन फार्म वर्क नहीं करेगा। तो गाइस, ऑगी भैया और 2 विलेजर लेके जा रहे हैं। अभी फटाफट से मैं भी एक काम करता हूँ, विलेजर लेके आ जाता हूँ। ओके गाइस, तो ये रहा विलेजर भाई, जल्दी बोर्ड में बैठो, जल्दी आगे लो, मर जाएगा वरना विलेजर। ओके गाइस, तो अपन ने एक विलेजर को बाहर लेके आ चुके हैं। अब अपने को फटाफट से इसको भी लेके जाना है आयरन फार्म के अंदर। चलो चले मितुआ। तो गाइस, फाइनली अपन एक विलेजर लेके आ चुके हैं और ऑगी भैया ने पूरे 4 विलेजर लेके आ चुके हैं। तो अपने को और इसी 15 विलेजर लेके आना है। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग के सीधा 20 विलेजर जमा करने के बाद। सो गाइस, यहाँ पे ढंग से 10 विलेजर भी नहीं हुए और आयरन गोलम आना स्पॉन हो चुके। तो हम लोग सोच रहे कि अभी के लिए 10 ही विलेजर लेने दें। अगर आयरन फार्म वर्क नहीं करेगा तो हम लोग रिटर्न से इसके अंदर 20 विलेजर डाल देंगे। गाइस, हम लोग बनाना चालू करते हैं आयरन गोलम का क्लीन चेम्बर। तो गाइस, अभी अपने को एक ब्लॉक और एक्स्ट्रा खोदना है कि अपना वाटर बीच में फ्लो ना करे, इस वजह से। तो मैं जल्दी जल्दी खोद देता हूँ। तो गाइस, अपने को कॉर्नर में एक एक जगह पे वाटर लगाना है कि अपना वाटर बीच में फ्लो हो, कुछ इस तरह से। तो गाइस, अपना आयरन फार्म तो वर्क करना चालू हो चुका है। फटाफट से मैं आयरन गोलम का क्लीन चेम्बर बना देता हूँ फटाफट। ओके गाइस, तो फाइनली अपना क्लीन चेम्बर बन चुका है फटाफट से। जो हम लोग ने यहाँ पे हगे वो ठीक कर देते। तो गाइस, आयरन फार्म का हम लोग यहाँ पे बना रहे AFK प्लेटफॉर्म और नीचे आयरन गोलम आना स्पॉन भी हो चुका है। तो पहले एक बार मैं कंप्लीट कर देता हूँ और फिर एक बार नीचे जाके देखता हूँ कि कितने आयरन अभी तक अपने पास जमा हुए।
सो गाइस अपना आयरन फार्म का तो पूरा काम हो चुका है, आयरन फार्म वर्क भी अच्छे से कर रहा है। तो सामने जो चेरी ब्लॉसम का बायोम है वहीं पर ही अपना स्पॉन पॉइंट है, तो जो भी नया मेंबर आएगा एसएमपी में तो सब लोग उधर ही स्पॉन होंगे। तो हम लोग वहां से लेके यहां सामने पहाड़ तक एक ब्रिज बना रहे हैं, के लिए तो ये ब्रिज इनकम्प्लीट एफर्ट्स है, हम लोग इसको अभी कम्प्लीट कर देते हैं। और उनका वुड भी है, हम लोग ने अभी तोड़ के लेके आए। तो एक काम करते हैं, हम लोग सोच रहे कि तीन ब्लॉक छोड़ के इधर से 1 2 3 इस तीनों में फेंस रखेंगे इधर पे, ऐसा अपन एक ब्लॉक ऊपर करके ब्रिज बनाते रहेंगे। ऐसा ये साइड से ट्रायंगल एंड वो साइड से ट्रायंगल और मिडल वाले में एकदम बड़ी पिलर जैसा रहेगा। तो फिर से हम लोग ऐसी तीन ब्लॉक छोड़ के बीच में लगाएंगे फेंस, और फिर वहाँ पे ओक लॉक लगेगा, फिर बीच में लगाएंगे फेंस, फिर लगेगा ओक लॉक। तो ऐसी सब करके मैं मिलता हूँ तुम लोग से सिर्फ 2 मिनट में। सो गाइस अपने पास सारी वुड खत्म हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे लेने आया वुड। अपने को ऐसी तीन ब्लॉक छोड़ के उसके बाजू में लगाना है ओक लॉक, और उसको अपने पिछले वाले से एक ब्लॉक हाइट बड़ा करना है। तो जल्दी जल्दी मैं ये भी कंप्लीट करता हूँ। तो गाइस अपना पिलर खड़ा करके तो हो चुका है, अभी अपने को फेंस की कमी पड़ी है, तो फटाफट से मैं फेंस बना देता हूँ और सारे फेंस लगा के। तो गाइस ये विलेजर का घर हम लोग के ब्रिज के बीच में आ रहा था, तो हम लोग इसको पूरा जला दे रहे हैं ये घर को। तो गाइस अपनी ब्रिज बन के तो रेडी हो चुकी, तो मैं तुम लोग को फटाफट से अपनी ब्रिज दिखा देता हूँ। 1 2 3 ये रही अपनी ब्रिज, देखो भाई क्या ही कूल दिख रही है। मैंने तुम लोग को दूर से ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारा फेवरेट पार्ट भी कमेंट करके बता देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।